अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स इन लैब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक और आईयूबी नेट सैंपल पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। हर एमसीक्यूज को हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आप अपने टेस्ट पेपर को ईजीली और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकें। इससे पहले भी आईयूबी नेट एंड जेईटी पास पेपर की 8 वीडियोज़ जो है इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उनका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले जो लास्ट 2 वीडियोस अपलोड हुई है इस चैनल के ऊपर वो -10 और -18 और -19 के पास पेपर की वीडियो से, और जो अब हम पास पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो -17 का पास पेपर है। ठीक है, तो हर पास पेपर की तरह इस पास पेपर में भी 90% ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि न्यू होंगे और 10% ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि रिपीटेड एमसीक्यूज होंगे। तो इस चैनल के ऊपर जितने भी नेट टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो यकीनन आप अपने टेस्ट पेपर को इजीली और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो आपके सामने शो हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस एजुकेशनल चैनल को लाजमी सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ऐसी ही बेस्ट वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहें। ओपन करते हैं हम अपने पीडीएफ को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैटर्न चेक कर लेते हैं पेपर का, किस तरह से पेपर आ सकता है, कौन से सब्जेक्ट में से कितने परसेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं हमारे पास। आईयूबी टेस्ट प्रिपरेशन गाइड, फर्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है मैथ, जिसमें 30 से 35% एमसीक्यूज आते हैं हर टेस्ट पेपर के अंदर। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, फिर डेसिमल है एंड फ्रैक्शन है, फिर ज्योमेट्री है, फिर अलजेब्रा है। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ में और रिपीट भी होते रहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एमसीक्यूज होते हैं मैथ के जो कि रिपीट होते रहते हैं हर टेस्ट पेपर के अंदर। और इसी तरह ही इंग्लिश के 30 से 35% एमसीक्यूज होते हैं जिनमें सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स हो गए। आपने प्रीवियस पेपर देखी होगी वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर, उनमें सिनोनिम्स और एंटोनियम्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास है होमोनियम, फिर है होमोफोन्स, फिर है अलजेब्रा, फिर है प्रेपोजिशन, फिर स्पेल करेक्शन, टेंसेस, सेंटेंस कंप्लीशन, और लास्ट में हमारे पास जो है वो है कॉम्प्रीहेंशन। और थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास जो दिया गया वो है रीजनिंग का, 30 से 35% इसमें से भी आते हैं, लेकिन बहुत ही कम आते हैं रीजनिंग में से एमसीक्यूज जो आते हैं बहुत कम होते हैं। वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया, और लास्ट हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग, इनमें से ही एमसीक्यूज बनते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि नेट टेस्ट में जब जाते हैं टेस्ट देने के लिए तो क्या मोबाइल कैलकुलेटर और वॉच वगैरह या एक्स्ट्रा पेपर ले जा सकते हैं मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या कुछ इस तरह। तो ऐसी परमिशन नहीं होती, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की परमिशन होती है, ना ही कोई एक्स्ट्रा पेपर ले जाने की परमिशन होती है। आप जस्ट अपनी रोल नंबर स्लिप ले के जा सकते हैं और एक पेन ले के जा सकते हैं। रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पे वो सॉल्व करने की परमिशन देते हैं कि आप इसकी बैक साइड पे आप इसको मैथ के जो क्वेश्चन है आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा कोई चीज़ में ले जाने की परमिशन नहीं होती। ठीक है, तो चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईयूबी एडमिशन टेस्ट अंडर ग्रेजुएट -10 ग्रुप 17। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो एमसीक्यूज है, हाउ मच इज़ 190 - 87 + 60। ठीक है, बहुत ईजी एम सी क्यूज है, और यहाँ पे इनके चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ए में हमारे पास है 261, सेकेंड हमारे पास है 190, थर्ड पे हमारे पास है 103, और लास्ट हमारे पास है 87। ओके, इसको जस्ट आपने क्या करना है, 190 - 87 उसमें ऐड कर देना है 16 को, फिर आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 190। इसको हम करेक्ट कर देते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। सेकंड हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है हमारे पास, इन द फॉलोइंग सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द नंबर 4, 5, 10, 18, 34, 59 और 95। ओके, ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है और इनमें से हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो कि इस सीरीज में रॉन्ग हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, फर्स्ट पे है 10, सेकेंड पे हमारे पास 18, थर्ड पे हमारे पास 5, और लास्ट डी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 34। सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा है, 10। तो चेक करते हैं क्या हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। आते हैं अपने सॉल्व पीडीएफ के ऊपर। मैंने ये पीडीएफ बनाया हुआ है, अगर आपको ये डाउनलोड करने हैं पीडीएफ सारे तो आप नोट्स इन लैब की वेबसाइट पे जाके
इन सब PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। लिंक इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सीरीज हमारे पास 4, 5, 10, 18, 34, 59 और 95 है। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 4 है। यहाँ पे हमने 4 राइट किया है, फिर हमारे पास यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखें, आप नोटिस करेंगे कि तो सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, इसी तरह ये एक सीक्वेंस कायम हो रहा है यहाँ पे। तो 4 प्लस 1 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। 4 प्लस 1 क्या आता है हमारे पास, 5। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी सीरीज के अंदर वाली। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन सी है, 5। ये यहाँ पे आ गई 5, जो हमने फाइंड किया वैल्यू। तो 5 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 के बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे तो ये 10 दिए गए और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 9। तो हमारे पास यहीं पे ही हमारे पास आंसर हमें मिल जाता है। आगे नेक्स्ट हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रॉन्ग वैल्यू फाइंड हो चुकी है, लेकिन हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है आई थी 9 थी, तो 9 प्लस 3 का स्केयर 2 था, यहाँ पे 3 का स्केयर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। नेक्स्ट वाली ये जो सीरीज़ के अंदर है, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है। ओके, इसके बाद 18 प्लस 4 का स्केयर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 34। ये जो सीरीज़ के अंदर 34 वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 34 जो वैल्यू है उसमें ऐड करेंगे, 5 का स्केयर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 59। और 59 प्लस 6 का स्केयर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 95। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज़ जो है कंप्लीट हो चुकी है। 10 जो है हमारे पास रॉन्ग वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो है, यहाँ पे देखें 9 वैल्यू आ रही थी। ओके, सॉल्व करने के बाद ये 10 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQs के ऊपर। MCQ नंबर 3, आई डोंट लाइक कॉफी डैश डू आई। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सो, सेकेंड पे है नो, थर्ड पे है नेदर और डी पे है हमारे पास आइदर। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट है ये हमारे पास रिपीटेड MCQs है। और यहाँ पे आपको साइड पे एक लेबल शो हो रहा होगा, प्रीवियस होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा और न्यू भी होगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है हम जानते हैं कि कौन सा है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ओके, ये जो सिलेक्टेड ऑप्शन है ना, सो, ये रॉन्ग आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट MCQs के ऊपर। क्वेश्चन, इसका आंसर भी हम जानते हैं क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर इन सब MCQs को डिटेल के साथ किया था, इसलिए मैं अगेन रिपीटेड MCQs को डिटेल से नहीं कर रही इस वीडियो के अंदर। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, हमारे पास एक्टिव है, डोरमेंट इसका रॉन्ग आंसर है। ओके, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे देखें 4 ऑप्शन है, एक्टिव है, डोरमेंट है, वीक है और अनकंसर्न्ड है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास एक्टिव है इसका। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs के ऊपर। MCQs नंबर 5, वेयर्स द डैश पोस्ट ऑफिस प्लीज, मोर नियर, नियरेस्ट, मोस्ट नियर, नियर। तो नियरेस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट MCQs के ऊपर। हाउ मैनी डाइगोनल्स आर देयर इन अ कोऑर्डिनेटिंग। फर्स्ट हमारे पास क्या है, नो डाइगोनल्स। थर्ड, सेकेंड पे हमारे पास क्या है, 3। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। लास्ट हमारे पास क्या है, 2। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, ये हमारे पास रिपीटेड MCQs है लेकिन फिर भी मैंने इसको डिटेल से यहाँ पे सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखें, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर हम इसको फर्स्ट लाइन को मिलाएंगे इसके साथ और सेकेंड को यहाँ से इसके साथ, इसको हम दे देते हैं ए की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, बी। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास सी और यहाँ पे हो गया ये डी। टोटल इसके पॉइंट 2 ही हैं। ठीक है, चाहे हम इधर से मिलाएं चाहे इधर से मिलाएं, यानी डी से सी की तरफ मिलाएं या बी से ए की तरफ मिलाएं, तो यहाँ पे भी आप अगर देख लें आप डायमंड शेप में भी इसकी 2 ही ड्रॉ हो सकती हैं लाइंस। ठीक है, इसी तरह ये रेक्टेंगल के अंदर भी हमारे पास 2 ही ड्रॉ हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट है।
फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, सेकंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि मैंने इसको नेम दिया था ए, ये हमने दिया बी, ये दिया सी और ये दिया हमने डी। ओके, इसी तरह ये हम इसको देंगे, ये हमारे पास आ गया ए, ये हमारे पास आ गया बी, ये हमारे पास आ गया सी और ये आ गया हमारे पास डी। ओके, तो देखिए सब में ही दो पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट नहीं है। तो डायगोनल्स कितने हैं इसके अंदर? दो डायगोनल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका टू ही है, यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देते हैं। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 7, अ नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8। ऐसा नंबर जो बड़ा हो 3 से और छोटा हो 8 से, ठीक है। ऑल्सो द नंबर इज ग्रेटर देन, वही नंबर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किसे? 6 से, और बट लेस देन 10 और छोटा होना चाहिए 10 से। व्हाट इज द नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऑप्शन हमारे पास है 5, 7, 8, 6। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट द नंबर दैट आर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8 इंक्लूड 4, 5, 6 एंड 7। ग्रेटर होना चाहिए 3 से, 3 से ग्रेटर है 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। ओके, और लेस देन 8 यानी कि 8 से भी कम है हमारे पास ये वैल्यू। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था? नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4, 5, 6, 7। नाउ द नंबर दैट आर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10 इंक्लूड 7 एंड 8 एंड 9। नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 7, 8, 9 द कॉमन नंबर इज 4। इनके इनमें से हमने क्या फाइंड करना था? कॉमन नंबर, तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हो, ठीक है। तो वो नंबर हमारे पास कौन सा है? 7 है। ओके, यहाँ पे हम इसको टिक कर देते हैं 7 को। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है? 7, बी ऑप्शन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, वो है द ग्रेप्स आर नाउ इनफ टू बी पिक। रेडी, वेरी एडवांस्ड, फिर है मैच्योर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं, एमसीक्यूज नंबर 9। हाउ मैनी सरफेस आर देयर इन अ क्यूब? नन ऑफ दीज, 5, 4, 3। यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वो है नन ऑफ दीज। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। हाउ मैनी सरफेस आर देयर इन अ क्यूब? क्यूब के जो है ना सरफेस कितने होते हैं? फेसेस, वराइटीज एंड एजेस ऑफ क्यूब। यहाँ पे मैंने तीनों ही डिफाइन किए हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? सरफेस, फेस भी कहते हैं सरफेस को, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं फेसेस? 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास, मैंने नीचे यहाँ पे इसकी एक एग्जाम्पल भी दी है। फेसेस हैं यहाँ पे, ये आपके सामने शो हो रहे हैं, ये हमारे पास फेसेस हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं? एजेस। ओके, और ये जो है हमारे पास क्या है? वर्टेक्स। तो इसको हम यहाँ पे देखें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने होते हैं? 6 फेसेस होता है। इसी तरह वर्टिक्स कितने होते हैं क्यूब के अंदर? 8 वर्टिक्स होते हैं। और एजेस कितने होते हैं? 12 एजेस होते हैं। ओके, तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं, क्या हमारे पास 6 दिया गया है यहाँ पे? नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमें 6 प्रोवाइड नहीं किया गया। वैल्यू या तो 5 दी गई है, या 4 और या 3 दी गई है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो एमसीक्यू नंबर 10, इट इज एन मुश्किल टास्क बट यू विल हैव टू डू इट मींस डैश। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट पे इट इज अ वेरी इजी टास्क बट यू मस्ट डू इट। सेकंड पे हमारे पास दिस वर्क इज नॉट रिजर्व फॉर यू बट यू विल हैव टू डू इट, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास जो ऑप्शन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बट यू हैव टू डू इट। और फोर्थ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, द वर्क इज अबव द हिल एंड यू विल हैव टू डू इट। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अदर्स बट यू कैन डू इट। तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये है हमारे पास सी ऑप्शन। हम टिक कर देते हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, एमसीक्यूज नंबर 11। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 इज। यहाँ पे हमने क्या करना है? ऐसा नंबर ढूंढना है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए
ठीक है, 6 के ऊपर। फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे 149 डिवाइडेड बाय 6। ओके, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 24.833 समथिंग। और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास कौन सी है, 136 डिवाइडेड बाय 6। हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, 27.667 कर, ओके समथिंग। और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है 150 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 25। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 150। ओके, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 6 के ऊपर। यहाँ पे देखिए 149 भी नहीं हो सकता, 166 भी नहीं हो सकता, और ना ही 151 हो सकता है। ओके, क्योंकि 151 को करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 25.166 और समथिंग हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका जो है 150 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। स्पीड ऑफ अ कार इज 16 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर्ड इन 1/4 आवर्स इज, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 65 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और 75 किलोमीटर। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या होता, 1 आवर 60 किलोमीटर, ठीक है ना, हमारे पास क्या होता, नाउ डिस्टेंस इन 1/4 आवर्स इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 किलोमीटर। तो द डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/4 आवर्स का 75 किलोमीटर। तो हम इसको यहाँ पे टिक कर देते हैं। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 75 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव्स 240 व्हेन एडेड टू इट्स ओन स्क्वायर, 18 है, 50 है, 16 है और 20 है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 240 व्हेन एडेड टू इट्स ओन स्क्वायर, लेट से नंबर इज इक्वल टू एन, एन का स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या इक्वेशन है, 240। ओके, तो एन का स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 240 इज इक्वल टू 0 होगा इक्वेशन। ओके, एन का स्क्वायर प्लस 16, हम इसको क्या कर देंगे, दो पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 240 को अलग कर देंगे। तो 16n माइनस 15n माइनस 240 इज इक्वल टू 0, n प्लस 16 माइनस 15 मार लेंगे, n प्लस 16 इज इक्वल टू 0, n प्लस 16 हो जाएगा और n माइनस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, n इज इक्वल टू माइनस 16 और n इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 15 आंसर हमारे पास करेक्ट है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू उसके ऊपर। व्हाई आर यू सो हंग्री, ओ आई डैश ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। यहाँ पे हमारे पास है डिडंट, हैडंट, हैवंट, डिडंट हैव। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, आई फेल्ट समवट मोर रिलैक्स्ड डैश। हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट पे हमारे पास बिकॉज द वरी हैड ऑलरेडी कैप्चर्ड बाय माइंड, सेकेंड पे एज देर वॉज ऑलरेडी नो टेंशन एट ऑल, थर्ड पे हमारे बट टेंस एज कम्पेयर टू अर्लियर एंड टेंस एज कम्पेयर टू अर्लियर एंड टेंस फ्री एज कम्पेयर टू अर्लियर। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है हमारे पास कौन सा है, डी ऑप्शन। ये जो सी ऑप्शन में सिलेक्टेड है ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। तो ये जो डी में है हमारे पास, एंड टेंस एज कम्पेयर टू अर्लियर। ओके, तो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, वट इज़ द लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर्स। हमें टू डिजिट प्राइम नंबर बताना है, तो हम जानते हैं क्योंकि ये हमने पहले एम से क्यूज डिटेल से किया है। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एम से क्यूज के ऊपर। आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और हमारे पास कंटेम्प्रेरी और यहाँ पे हिस्टोरिक है, फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट हमारे पास क्या है, सक्सेसर और प्रीडेसेसर। ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है, इसको भी हमने डिटेल से किया था। तो इसका जो ये फर्स्ट सेकेंड जो लगा हुआ है ये रॉन्ग आंसर है। ओके, और ये जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। डिस्टेंट, डिस्टेंट का हमें पता है कि जो है ना सिमिलर मीनिंग हमने फाइंड करना है, यानी कि सिनोनिम फाइंड करना है, सेम होना चाहिए या फिर सिमिलर होना चाहिए उसका मीनिंग। तो फार जो है डिस्टेंस का,
ये हमारे पास करेक्ट आंसर है और ये प्रीवियस एमसीक्यूज है हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। द वैल्यू ऑफ 1.07 मल्टीप्लाई 65 प्लस 1.07 मल्टीप्लाई 26 प्लस 1.07 बाय 9 इज, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 10.7, 10.73, 107 और 10.70। ठीक है, तो इनमें से जो सिलेक्टेड है हमारे पास है 107 है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम 1.07 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे 65 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 69। ठीक है, 69.55। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 1.07 मल्टीप्लाई 26 करते हैं, तो सेकंड हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 27.82। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास लास्ट 1.07 मल्टीप्लाई 9.63 ओके, ये हमारे पास तीन वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको, तो अब हम इन तीनों को ही ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 107.0003। ओके, पॉइंट के बाद वैल्यू राइट नहीं करते। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 107 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज डैश अ लिटल एवरी डे बाय स्पीकिंग, स्पीक टू स्पीकिंग, इन स्पीकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है, बाय स्पीकिंग। कंप्लीट सेंटेंस ये क्या बनता है, द बेस्ट वे टू लर्न अ इंग्लिश इज बाय स्पीकिंग अ लिटल एवरी डे। ओके, ये हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, लाइट ब्लाइंड, इसका जो हमारे पास है टंग सॉन्ग, इट हैज स्पीच डम, थर्ड पे हमारे पास लैंग्वेज डी, और लास्ट हमारे पास कौन सा है, वॉइस वाइब्रेशन। ओके, तो फर्स्ट हम इसका क्या करेंगे, लाइट और ब्लाइंड का रिलेटेड मीनिंग फाइंड करना है हमने, सिमिलर होना चाहिए या रिलेटेड होना चाहिए, तो इसका हम देख लेते हैं। एबसेंस ऑफ लाइट विल मेक ब्लाइंड एंड एबसेंस ऑफ स्पीच विल मेक डम। ओके, तो ये हमारे पास जो सेकंड है ना, बी ऑप्शन, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 22, द वेदर आउटसाइड वाज एक्सट्रीमली प्लेजेंट एंड हिंस वी डिसाइड टू डैश। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सेकंड पे हमारे पास एंजॉय अ मॉर्निंग राइड इन द ओपन, थर्ड पे हमारे पास रिमेन सीटेड इन ऑल रूम्स इन द बैंगलोर, फोर्थ पे हमारे पास है एम्प्लॉय दिस रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर वेटिंग लेटर्स यूटिलाइज ऑल टाइम इन वॉचिंग द टेलीविजन। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास बी ऑप्शन, यानी कि इंजॉय अ मॉर्निंग राइड इन द ओपन। ओके, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। यू डैश बेटर सी आर डॉक्टर शुड हैड वुड डिड, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है शुड, यू शुड बेटर सी आर डॉक्टर, टेंस जो है वो हमारे पास शुड से कंप्लीट हो रहा है। शी नेवर विजिट एनी ज़ू बिकॉज शी इज स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ द आइडिया ऑफ डैश। यहाँ पे हमारे पास पांच ऑप्शन दिए गए हैं, होल्डिंग द एनिमल्स इन कैप्टिविटी फॉर ऑन जो है, ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है, तो इनमें से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है होल्डिंग द एनिमल्स इन द कैप्टिविटी फॉर ऑन जो है, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये हमने डिटेल से किया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं इस एमसीक्यूज को, तो वो वीडियो मैं नीचे लिंक उसके जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू उसके ऊपर। द फूड इन दिस होटल इज नो मैच टू व्हाट वेयर होस्ट एट लेट आवर्स इन होटल कोहिनूर मींस डैश, तो यहाँ पे हमें पांच ऑप्शन दिए गए हैं, बोथ होटल्स हैव मेंटेन्ड गुड क्वालिटी ऑफ फूड, सेकंड पे हमारे पास क्या है, इट इज बेटर टू ईट फूड व्हेन रिमेन हंग्री, थर्ड पे हमारे पास क्या है, होटल कोहिनूर सेव्ड अस गुड क्वालिटी फूड देन व्हाट वी गेट हियर।
और फोर्थ में हमारे पास क्या ऑप्शन है, द फूड इन दिस होटल आर क्वाइट गुड कंपेयर्ड टू व्हाट वी आर एट कोहिनूर. ओके, बोथ होटल्स सर्व पुअर क्वालिटी ऑफ फूड. ओके, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है सी ऑप्शन, होटल कोहिनूर सर्व्ड अस गुड क्वालिटी फूड देन व्हाट वी गेट हियर. ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर. द लीस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 39 इज, ऐसा हमने नंबर वैल्यू बतानी है जो कि फाइव डिजिट नंबर जिसको हम डिवाइड कर पाएँ 39 के ऊपर कम्प्लीटली. ठीक, नीचे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए. फर्स्ट हमारे पास क्या है 10,062, सेकेंड पे हमारे पास है 10,023, थर्ड पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 10,016 और लास्ट हमारे पास जो डी में वैल्यू है वो है 10,101. तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसको सॉल्व किया हमने, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं. द लीस्ट फाइव डिजिट नंबर इज 10,000. यहाँ पे हमने एक वैल्यू ले ली है फाइव डिजिट नंबर की. नाउ द नंबर हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 39, सो दैट्स डिवाइड 10,000 बाय 39. 10,000 को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे 39 के. जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा 256 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 16. सो इफ़ वी ऐड द नंबर, जब हम ऐड करेंगे नंबर यानी कि 39 माइनस 16 करेंगे तो 10,000 इट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 39. जब हम इसको 39 को माइनस 16 से करेंगे तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 39 के ऊपर. 10,000 प्लस 39 माइनस 16, 10,000 प्लस 23, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10,023 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 10,023 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ये सी ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग आंसर है. द माइजर गेज डैश एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइंस इन फ्रंट ऑफ हिम, हमारे पास क्या है एविडली थॉटफुली अर्नेस्टली और एडमायरिंगली. तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है हमारे पास कौन सा है, एविडली. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ ट्राइंगल, कितने पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 6 टाइम्स, नन ऑफ दिस, 3, 9. सिलेक्टेड हमारे पास क्या है 6 टाइम्स. तो इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ ट्राइंगल, कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ए हो गया, सेकंड हमारे पास बी हो गया और ये हमारे पास एक साइड बन गई ए बी की. फिर हम सेकंड हमारे यहाँ पे ए सी की बन रही है, ठीक है, सी बी हमारे पास है तो यहाँ पे ए सी और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी बी सी. तो हमारे पास टोटल कितनी साइड्स हैं अगर आप फिर एक बार काउंट करें तो यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ओके, टोटल 6 साइड्स हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है 6. ओके, यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है. तो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, इंडिजेंट वेल्थी. यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, स्कॉटलैंडी, एयरडाइट, नेटिव अफ्लुएंट और एंग्री रिच और यहाँ पे ग्रॉस ग्रेसफुल. तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ग्रॉस ग्रेसफुल यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर. टू मेक क्लीन डस्ट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास पांच ऑप्शन है, नन ऑफ दीज. टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट लॉन्स, टू गेन प्रोमिनेंस, टू कन्फेस डाउट ऑफ रिजर्व, टू प्राइस वन सेल्फ. तो इनमें से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन. ओके, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर. एमसीक्यूज नंबर 32. एम फेड अप डैश दिस एक्सरसाइज फॉर डूइंग, टू डूइंग, विद डूइंग, टू डू. तो इनमें से जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सी ऑप्शन यानी कि विद डूइंग हमारे पास करेक्ट आंसर है. करेक्ट सेंटेंस किस तरह से बनेगा, एम फेड अप विद डूइंग दिस एक्सरसाइज. ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर. द ट्री डैश बाय लाइटिंग, चार ऑप्शन दिए गए, ट्रक वॉज फ्लैश्ड, फ्लैश्ड,
वॉज स्ट्रक, तो इनमें से जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन वॉज स्ट्रक, और बी ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 34, फेट स्माइल डैश दोज हु अनटायरिंगली ग्रैपल विद स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, राउंड, ओवर, विद, ऑन, ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 36, व्हेन आर इज डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 आर इज डिवाइडेड बाय 7। ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है, तो इसको हम डिटेल से, वैसे यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 आर इज डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय ऑफ इक्वेशन 1/3 वी गेट 3 आर इज इक्वल टू 21। ठीक है, मैं 21x+9, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है 3 आर इज इक्वल टू 7, 3 अंदर रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और 3x+1+2। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे देखें इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 7 आएगा, फिर नाउ 2 जो है लेस देन है किसे, 7 से, सो 2 जो इसका रिमाइंडर जो है वो करेक्ट आंसर है 2। ओके, तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देते हैं, ये 6 यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है, ये हमने पहले भी डिटेल से सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। अ फ्रैक्शन विच बेयर्स द सेम रेशियो टू 1/27 एज 3/11 बेयर टू 5/9 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं 3/11, 55 और 1/11, 1/55। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, दैट अ फ्रैक्शन बेयर द सेम रेशियो टू 1:27 एज 3:11 बेयर्स 5:9। वी आर टू फाइंड दैट रेशियो, हमने क्या करना है, फाइंड करना है रेशियो, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी एक्स और वाई, हम रिक्वायर्ड रेशियो को एक्स और वाई कंसिडर करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव, इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो एक्स रेशियो वाई डिवाइडेड बाई 1:27 इज इक्वल टू 3:77 डिवाइडेड बाई 5:9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखें एक्स डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3/77, ये वाली हमारे पास रेशियो जो है ये वाली यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1/27 इज इक्वल टू 5/9। इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखें एक्स डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाई 5/9 ओके इज इक्वल टू 3/11 मल्टीप्लाई 1/27 ओके। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 5x हो जाएगा और ये 9y हो जाएगी वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/99 x/y, तो ये जो वैल्यू है 5/9 उधर जाके 9/5 हो जाएगी, यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, वो ऊपर वाली और नीचे आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे देखें x/y इज इक्वल टू 1/ जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/55। तो इसके जो करेक्ट आंसर है रेशो वो 1/55 है। ओके, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट टू कंसील हिज एंगर, ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है, तो इसके अंदर हमें पता है कि हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सी ऑप्शन, पीपल केम टू नो दैट ही वॉज अनॉयड। तो हम इसको टिक कर देते हैं यहाँ पे, ये हमने डिटेल के साथ अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 39, डिवाइड 52/4 एंड ऐड 17/3। हमें क्या करना है, वैल्यू को फर्स्ट हमने डिवाइड करना है 4 के साथ, फिर हमने उसमें ऐड कर देना है 17 को, फिर मल्टीप्लाई कर देना है इससे 3 से। ओके, ऑप्शन हमारे पास क्या है,
66, 62, 63 और 64, ये हमारे पास वैल्यू देगी और सिलेक्टेड हमारे पास कौन सी है, 64 वैल्यू है। देखने में तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखें फर्स्ट सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया 52 को डिवाइड करें 4 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। 13 को जब हम प्लस करेंगे किस में, 17 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और लास्ट में हमें कहा गया है कि मल्टीप्लाई करें लास्ट 30 को 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 90 आ जाएगा। तो 90 आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, 90 जो है हमारे पास कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है इसमें ऑप्शन में, ना 90 आपको कहीं भी शो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास फर्स्ट जो मेथड है ये हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। तो सेकंड मेथड से देखें, 52 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 30, ओके। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। फर्स्ट हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया जो हमें कहा गया था। सेकंड हमने क्या करना है, ऐड नहीं करना, सेकंड हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जो हमें कहा गया है कि 17 को मल्टीप्लाई करें 3 से, ठीक है। 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 51। नाउ ऐड देम टुगेदर, जब हम दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे, लास्ट में हमने ऐड करना है, फर्स्ट सेकंड नंबर पे हमने ऐड नहीं करना वैल्यू को, लास्ट में हमने ऐड करना है दोनों वैल्यूज़ को। तो 30 + 51 = 64 हमारे पास आंसर आता है। तो देखें एक ही स्टेप से कितना डिफरेंस आ गया हमारे पास, आंसर दोनों का चेंज आ रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा हुआ, 64 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। शी लुक्स डैश शी इज गोइंग टू बी सिक लाइक एज इफ। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास एज इफ, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर, हम इसे टिक कर देते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। MCQs नंबर 41, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर हमने बताना है, ये हमारे पास प्रीवियस MCQs है। तो 99 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs के ऊपर आते हैं, टू हाउ मच वाटर इज एडेड टू 750 ग्राम मिल्क टू गेट 1 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, 20.5 kg, 2.5 kg, 25.0 kg, 0.25 kg। जो सिलेक्टेड है हमारे पास वो है 0.25 kg। तो इसको हम चेक कर लेते हैं हमारे पास जो सिलेक्टेड है वो करेक्ट आंसर है या नहीं। स्टेप बाई स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 750 ग्राम, ओके। ओरिजिनल जो हमें अमाउंट दी गई थी मिल्क की वो कितनी है, 750 ग्राम, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 750 ग्राम को हम 1000 kg से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.75 kg, ओके। वी कन्वर्टेड इट इन टू द kg बिकॉज ऑल द ऑप्शन इन द क्वेश्चन हैज kg एज देयर यूनिट्स, ओके। क्योंकि सारे जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो हमारे पास kg के दिए गए हैं यूनिट, ठीक है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 1 kg, 1 kg था रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट मिल्क का। लेट मिल्क टू बी एडेड बी एक्स, हम इसको ऐड कर देंगे, कंसिडर करेंगे एक्स। नाउ फ्रेमिंग अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स, 0.75 + x = 1, सेविंग फॉर एक्स यूजिंग ट्रांसपोजिशन, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0.25 kg हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, 0.25 kg, ओके। तो इसको हम टिक कर देते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट MCQs के ऊपर, MCQs नंबर 43, पीयूष बिहेव स्ट्रेंजली एट टाइम एंड देयर फॉर नोबडी गेट डैश विद हिम थ्रो अप लॉन्ग अबाउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, लॉन्ग जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs के ऊपर आते हैं, MCQs नंबर 44, शी हैज बीन डैश ऑफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एसेड अक्यूज्ड चेंज और ब्लेम्ड। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, अक्यूज जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं 45, हाउ लॉन्ग डैश इंग्लिश डू यू लर्न, हैव यू बीन लर्निंग, यू लर्न और आर यू लर्निंग, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा है, डू यू लर्न,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हमारे पास बी ऑप्शन, हैव यू बीन लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन जो है रॉन्ग आंसर दिया गया यहाँ पे। यहाँ पे इसको हम टिक कर देते हैं, इसको हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। 106 × 106 −94 × 94। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम 106 को मल्टीप्लाई करेंगे 106 से, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास 7136। ओके, 236 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट। और 94 को मल्टीप्लाई करेंगे 94 से, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 8836। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2400 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 49। अ क्लॉक रीड 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट इज इन व्हाट डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट? ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है नॉर्थ ईस्ट। डिवा ओपेरा, ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है 3 spin play। सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो हमारे 50 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।